अच्छा जोहेब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम आपको लेके आए हैं, सॉरी गाइस, हमने आपको बताना भूल गए थे कि आज हम जा रहे हैं समद भाई की तरफ। ये बड़े यूट्यूबर हैं और इनके जो हैं पेट्स का चैनल है जिसको समद व्लॉग, समद पेट व्लॉग्स के नाम से आप लोग शायद जानते होंगे। तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गए, आपको बताना भूल गए थे, तो पहुँच गए हम उनके गेट पर। अस्सलाम वालेकुम समद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है? तबीयत अच्छी है आपकी? आप सुनाए, कह रहे हैं सरप्राइज दिया आपने, सरप्राइज दिया आज हमने आपको। आ जाओ, हम आपका जरूर देख के आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, समद भाई ने तो रौनक लगाई भी यहाँ पे। क्या लेके आ रहे हो? ये बादशाह की मलका कहाँ है? समद भाई सुनाए, कैसा चल रहा है? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, माशाल्लाह यार, आज बताया भी नहीं, चुप चुप के आ गए हो। बस ऐसा ही होता है, हम ऐसे ही छापे मारते हैं। हमने कहा आपको देखते हैं, आप ये माशाल्लाह जंगल में मंगल लगाया हुआ है यार, उन्होंने क्या करे, लगाना पड़ता है गंदे को दूर। ये देखो क्या है, ये हमारा है वो बादशाह। अच्छा वाह यार, बड़ा ईगल, बड़ा ईगल है। तो आपके हाथ पे बिठाऊं? अभी नहीं भाई, ये तो खा जाएगा मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अच्छा चलो बिठाते हैं इसको। ये छोटा है? ये बाज है। अच्छा वाह जी वाह, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियां बत्तख हैं, सारी मुझे देख रही हैं ये। भाई मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। इसका नाम थ्री इडियट्स है। थ्री इडियट्स है तीनों ये? वाह समद भाई वाह, आप अपना तारुफ करवाएं। अच्छा और आप भाई? वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये चिंटू है। चिंटू मुंटू, वाह वाह, 24 घंटे भूख लगी रहती है। क्या देते से खुराक में? बस सिर्फ दूध फिलहाल। अच्छा अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? तो दोस्तों समद भाई ना हनी भाई को ना अपने हैंड पे बादशाह, मतलब उसको हाँ एक्साइटेड है बड़े बैठने के लिए। ये भी मैं देखना चाहता हूँ यार, ये तो समद भाई उठ ही नहीं रहा, ये आ जाएगा, अभी थोड़ा सबर करो। अभी सबर करो जी आप लोग, ये भी उठ रहा है, ये ग्लास बड़ा खतरनाक किस्म का है, इसको ना पहले मनाना पड़ता है। अच्छा, मान जा मेरे भाई, आ जा यार टाइम कम है। इसका पैर फंसा हुआ है, पैर फंसा हुआ इसका नहीं, भाई इसे तो बहुत काटने वाला लग रहा है, खतरनाक किस्म का लग रहा है मुझे। ये कोई चीज अड़ गई यहाँ पे समद भाई, ये मुझे लग रहा है ये हटा दो, ग्लव से कुछ नहीं कर, ग्लव से कुछ नहीं कर, मुझे लग रहा है कि इसकी चार्जिंग पूरी नहीं हुई गाइस। इसकी चार्जिंग जो है ना वो पूरी नहीं हुई, यहाँ पे काटने वाला है भाई, खतरनाक सामान देखे इसकी आप, कैसे खतरनाक है। ये ले आप ग्लव्स लाएं जी, आप मुझे जरा ग्लव्स दिखाएं आप, ये समद भाई है। समद भाई कितना केजी वजन होगा इसका? कम से कम 10 किलो है। और ये देख रहा है बड़ा खतरनाक किस्म का, आंखें देखो इसकी। मुझे जानता है इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहा है, आप इसके आगे जाओगे। तो गाइस बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद ना समझ रहे ना, वो हमारे जो ईगल है उनको अपने हैंड पे बिठा ले। देखो और अब ये कोशिश करेंगे कि यहाँ ही बैठ जाइए, वापस चला जाएगा, ये नहीं बैठेगा भाई। आप हमसे नाराज हैं, हम आपको नहीं बिठाते, हम आपसे माफी चाहते हैं, हम आगे चलते हैं। चलो गाइस ये तो बड़ा खतरनाक है, और ये हाथ से भी नहीं आ रहा है, इसके आगे पंजा। आओ आओ, नहीं जाएगा ये, मेरे पे नहीं आएगा भाई ये। अच्छा समद भाई, आपके पास मानो के बच्चे हैं जिनका नाम स्नो है? हाँ स्नो भी है, इना मीना डिका और भी तीनों के नाम आप भूल गए। डिका यार वो दिखाओ ना हमें किधर है यार, उससे पहले बहुत सारी चीजें दिखानी है, लास्ट में वो दिखाऊंगा। किधर चले फिर? अभी आप आ जाओ हमारे मॉन्स्टर केज की तरफ। मॉन्स्टर केज की तरफ चलते हैं जी इनके। ये रहा, ये जी इनका मॉन्स्टर केज है, और इसके अंदर लव बर्ड भी रखे हुए आप लोगों ने। लव बर्ड फिलहाल अंदर रखे हैं ना, उनके अभी ब्रीड चल। अरे वाह, ये क्या है भाई, छोटे छोटे अंदर चले जाओ। ओए खा ना जाएंगे मुझे? नहीं नहीं कुछ नहीं कहते, वो यही चाहते हैं कोई मेहमान आ जाए हमें देखने। अरे वाह 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 वाह, इनके क्या क्या नाम है? ये जो है रैबिट्स गैंग है। रैबिट्स गैंग है, खतरनाक, ये तो जमीन में सुराख कर देते होंगे। नहीं नहीं अभी नहीं कर रहे, ये सारे देखो, ये देखो मेरे इतने हाथ पे हिले पड़े, ये भागते भी नहीं है मेरे से, ये देखो। अरे वाह यार, तो बड़े प्यारे हैं, छोटे छोटे क्यूट से। इनको खुराक क्या देते हो खाने के लिए? घास दाना
कोई रोटी छोटी। ये कौन है? ये इनका गैंग का सरदार लग रहा है मुझे। ये जो है अंगोरा रैबिट है, इसकी और नस्ल है। अरे अरे ये बड़े बड़े वाले में ना। अरे अंगोरा रैबिट है भाई ये बहुत बड़े साइज में होते हैं। उफ खतरनाक। सावन भाई मुझे ये बताएं कि आपके पास एक राजू भी है। अच्छा राजू आपके सामने हमने लेडी उसको निकाला है, मुझे पता था आप इससे मिलने जरूर। अरे वाह ये क्या पी रहा है? आप एक काम करो आप इसको अपने हाथ से दूध पिला दो। हैं ये लें जी इसको अपने हाथ से। एक मिनट एक मिनट चल अब इसको अपने हाथ से दूध पिला दो। अरे वाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। अभी आगे आप देखते रहो उधर। अरे क्या करेगा ये? हाँ अभी आप पीडर हटा दो। आओ राजू 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 जाओ टक्कर मारो। जाओ राजू मेरा दोस्त बन गया है गाइस। टक्कर नहीं मारना आप ही आओगे। आपको नहीं पिलाऊंगा राजू को पिलाऊंगा मैं। अरे वाह कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? नहीं लग रहा है जी। बच्चों को हमने ऐसा नहीं पाला जिस तरह इसको पाल रहे। ये इनके पास जो आप देख रहे हैं ये काफी नस्ल्स की इनके पास जो है ना मुख्तलिफ ब्रीड की डक्स हैं। ये टर्की आई थिंक छोटी छोटी बकरियाँ हैं जिनको तैयार कर रहे हैं। और ये क्या चीज है? चाइना मग। ये भी डक्स है। डक्स। अरे वाह इसके पर, इसके बाल ऐसे निकले होते हैं पर बाहर। जी 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 ये अभी और आगे भी निकलेंगे। और भी निकलेंगे ये? हाँ हाँ। और मुख्तलिफ किस्म की इनकी जो है वो इन्होंने यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं डिफरेंट इनके पास जो है। अभी इसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। रात को ये जानवर यहाँ बंद कर रहे थे आप? हाँ जिसने टर्की बर्ड है गेनाफोल जो और चीजें मेरे पास है वो रात को हम इधर ही बंद। अच्छा ये देखें जी आराम कर रही है सुकून कर रही है ये धूप सेक रही है। हेलो अपना समझ भाई मुझे बताएं वो मोर किधर है? मोर ढूंढे। अरे वोरा भाई वोरा जंगल में मोर नाचा किसने देखा मगर हमने समद भाई के यहाँ पे मोर देख लिया। जैसे कि आप ये देखें इसका क्या नाम है समद भाई? इसका नाम रैम्बो है। रैम्बो है? जी जी। बड़े डिफरेंट किस्म के नाम रखे हैं आपने। नाम हाँ ये पोलिश चिकन मुर्गा। अरे वाह भाई इसकी आईज नजर आ रही है आपको? नहीं भाई इसके तो बाल ही नजर आ रहे हैं मुझे। कहाँ से कटिंग करवाते हैं इसकी? इसकी कटिंग जावेद करवाता है। जावेद भाई कहाँ से करवाते हो कटिंग? इसकी ऑलरेडी ऐसी। वाह यार वाह यार मोर बड़ा खूबसूरत लगा मुझे आपका ये। वाह रैम्बो रैम्बो। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है समद भाई ये आपने इस कमरे के अंदर ये पिंजरा क्यों रखा हुआ है? ये यहाँ पे लव बर्ड की महंगी ब्रीड है। अच्छा क्योंकि सारे पिंजरे आपके बाहर हैं और आपने ये यहाँ अंदर रखा हुआ है। वहाँ पे भी मेरे पास और भी तोते पड़े इन लोगों ने ऑलरेडी अंडे दिए इनकी ब्रीड आ रही है। गुड नजर तो नहीं आएंगे अभी ये लव बर्ड की जो ब्रीडिंग हो रही है जी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर आपको शायद नजर आए। जगह थोड़ी सी है मगर आप इसको देखने की कोशिश करें। ये इनकी ब्रीड चल रही है। अच्छा तो बड़ी स्पेशल सारे आ गए भाई। सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ कुछ नहीं है। इसका क्या नाम है? किशमिश। बादाम किधर है? बादाम बस देखो यार कैसा जंगल मंगल लगा है माशाल्लाह यहाँ पे हैं। ये देखो इसका क्या नाम है? कोकोमो। कोकोमो मुझे भी दो मैं भी खाऊंगा। अच्छा चकोर। चकोर के साथ चकोरनी है? चकोरनी है वाह जबरदस्त। आपसे मिलता हूँ भाई आके मैं अभी। आप जाना नहीं है अच्छा मुंह बंद करें अपना। तो गाइस हमारा बादशाह तो हनी भाई के हैंड पे नहीं बैठ रहा था तो हमने ना अपने तूफान को ना उनके हैंड पे बिठाए दिया फाइनली। ये देखो अरे भाई साहब क्या बात है यार। इसको पकड़ो ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। उसके पर देखिए आप गाइस कितने जबरदस्त पर हैं। फुल गुस्से में और ये गुस्से में इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये उड़ेगा भी। लेकिन ये आपने पकड़ना है। अच्छा अरे ये काटता भी है भाई काटता भी है गाइस ये मगर ये इतने इसके फाइन किस्म के आप इसके फिदर देख रहे हैं इतने फाइन किस्म के इसके पैर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसकी जबान भी निकली रहती है बाहर। भूखा है? नहीं नहीं भूखा क्या खा तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं भाई मेरे दोस्त बन जाओ मैं अगली दफ़ा तुम्हारा वो तो नहीं बैठा था बादशाह मगर ये तूफान मेरे हाथ पे बैठ चुका है। ये देखें जी यहाँ पे कुश्ती चल रही है इनकी डक फंस चुकी है और ये इसको निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये निकल आई नाजरीन अब ये जा रही है नहाने के लिए। ओए छोड़ो ये दोनों जो हैं कहाँ की है समद भाई? ये चाइना मग। चाइना मग हैं जी दोनों ये। अब ये नहाएंगी और आराम से। एक मेल है इसमें उधर वाली जो है वो फीमेल है इधर वाली मेल है। चिंटू भाई चिंटू चिंटू मेरा दोस्त बन गया चिंटू मेरा दोस्त बन गया है चिंटू मेरा दोस्त बन चुका है नादरीन। जैसे आप देख रहे हैं चिंटू को मैंने उठा लिया अपनी गोद के अंदर। ये देखें चिंटू को मैंने अपनी गोद के अंदर उठा चुका हूँ नादरीन।
वो सिल्की हैंड। अच्छा ये समद भाई कौन सी ब्रीड है जी? ये है सिल्की हैंड। सिल्की हैंड, ये वैसे खा सकते हैं? हाँ हलाल है, मुर्गी है। कहाँ की है ये? ये पता नहीं वैसे, ये मारता है वैसे। भाई आप बता दें आप कहाँ की हैं? ये मारता है वैसे, देखो। अच्छा खाता है ये भाई? भाई ये बस मुझे ना छेड़ो, ये गोश्त खोर है, ख्याल करें गोश्त खोर है। इसको जरा सिल्की हैंड्स को जो बंदा ले रहा है उसको जरा ख्याल करें, वो खाना नहीं खाएगा वो गोश्त खाएगा। समद भाई आ गए हैं जी अपने सुल्तान के पास। सुल्तान राही नहीं, सुल्तान मुर्गे का नाम है इनका। ये इनका लड़ने वाला मुर्गा है, खतरनाक। क्यों समद भाई लड़ने वाला है? ये बहुत ज्यादा लड़ाकू है वैसे, इस तरह प्यारा मुर्गा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ये चिंटू मेरा दोस्त बन चुका है, देखें पास पास है मेरे, आ जाओ लेके जाऊंगा साथ। अच्छा ये सुल्तान, सुल्तान राही है, अभी फाइटिंग कराई है इसकी? काफी हो रहे हो भाई, इसीलिए मैंने इसको बंद किया, ये सबको मारता है, सबको मारता है भाई, इसमें बंद ही कर दो आप। ना खूबसूरती देखो, ये देखो, ओए होए होए, सही कह रहे हैं, प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। चलो इसको आप स्विच ऑन। और ये सुल्तान के साथ कौन है अंदर? वो है हीर, इसकी वाइफ। फिर तो आपने घास दिया, ये ना इसका नाम रांझा रखना चाहिए था। अच्छा अभी हम जो आ गए हैं समंदर, ये हम कहाँ आ गए? ये मैंने दूसरा रूम बनाया फिलहाल, जो रात को सर्दी होती है ना, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लव बर्ड भी है मेरे पास। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, मैं तुम्हारा अपना दोस्त हूँ, परेशान नहीं हूँ। अच्छा पहले मुझे बताएं इस डब्बे का क्या कारनामा है इसके साथ? ये यहाँ पे फिर अंडे उतारेंगे। अच्छा अंडे देंगे ये, ठीक है। अच्छे भी आएंगे इसके कॉकटेल, जो कि मैंने यहाँ 3 महीने छोड़े, तीनों को ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, ना कोई अंडे ना कोई बच्चे। अच्छा इसलिए मैंने इनको छोटे के दिए। अच्छा इनको देते हो आप, कौन खा रहे हैं ये? हैं कौन भी है, दाना शाना भी है। ठीक है, और ये? ये है हमारे चाइना का। यार ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह। गाइज अगर आपको कैमरे की आँख से तो नजर नहीं आएगा, मगर अगर इसे नेकेड आई से देखें आप तो इसकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अल्लाह पाक ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई है। अच्छा ये क्या चीज़ है जी समझ भाई? ये जो है हमारे वाइट डव, जो कि कबूतर की छोटी नस्ल। अच्छा और इसको क्या कहते हैं? इसको वाइट डव बोलते हैं। वाइट डॉग, वाइट डॉग, खुमरे जो हम उर्दू में बोलते हैं। खुमरे हैं जी ये मैंने पहली दफ़ा देखा जिंदगी में, पहले मैंने खुमरे नाम की चीज़ का नहीं कोई देखी थी। ये समझ भाई इसको अपने हाथ में पकड़ के बनाई है। जब से लिया मैं फर्स्ट टाइम इसको निकाला, आज तक मैंने को खुद भी हाथ नहीं लगाया। ये इनकी मोहब्बत है, समद भाई ने हमें इनवाइट किया है, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि लोग बड़े यूट्यूबर्स बन जाते हैं मगर छोटे यूट्यूबर्स को टाइम नहीं देते। ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, बड़ी मजे की चीज़ है वो, और वो चार छोटे बिल्ली के बच्चे। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे सबसे अट्रैक्शन चीज़ जो लगी थी यहाँ पे वो चार बिल्ली के बच्चे लगे थे। तो समझ गए चले वहाँ चले। बिल्ली के बच्चों को देखने से पहले जो है ना आप इनको देख लें, ये तोते हैं, इनको एक मिनट निकालना पड़ेगा। ये साथ साथ है, इसकी आंखों में क्या हुआ है? वैसे गंद हुआ पड़ा है, रोज साफ करते फिर भी ये गंद हो जाता है। वो ये अपने साथ रुमाल रखा करो साफ करने के लिए। लें जी ये बाहर आ गया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रानी। रानी का राजा उड़ रहे हैं भाई, जगह जगह उड़ रहे हैं। रानी भी है, राजा भी है, जगह जगह उड़ रहे हैं। रानी उड़ना नहीं है तुमने भाई। गाइस मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये एक डिफरेंट किस्म की ब्लॉगिंग है जो हम वैसे जो आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं जगह जगह घूमता हूँ, मगर ये आता ये कर थोड़ा सा काटेगा थोड़ा सा कुछ। अरे भाई उसने काटा है वाकई। राजा आजा, क्या बात है, ये राजा क्या बात, क्या नाम है भाई आपका? रानी। रानी नाम है आपका? मैं राजा हूँ। ये राजा आ गया, अब देखा राजा आपके ना यहाँ पे बैठेगा। राजा कहाँ जा रहा है? करेगा प्यार करेगा। राजा कहाँ जा रहा है? राजा कहाँ जा रहा है? राजा कहाँ जा रहा है? राजा आ गया, रानी राजा। यार बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे आके। ले जी सबसे जो खूबसूरत चीज जो मुझे यहाँ पसंद आई थी आते जो मैंने देखी थी वो थी ये बिल्ली के बच्चे। स्नो, स्नो नाम है जी इसका। और ये इन तीनों के ना इना मीना डीका, डीका। क्या बात है जी, जो बहुत प्यारी। ये कहाँ की ब्रीड है? ये रशियन है। सारी रशियन है ये जी। और ये इनकी मम्मा है? जी इनकी मम्मा है, देखना सारे दूध पे लग जाएंगे। अरे मम्मा आपके लिए काम आ गया, बहुत मुश्किल वाला। चलो अब देखना सारी लग जाए। वाह चलो पियो। मम्मा इनके आराम कर रही है और ये फीड करेंगे अब, और हम जो हैं वो अपना ब्लॉग यही ख़त्म करेंगे समद भाई के साथ। समद भाई आप कुछ कहना चाहें?
अपनी जिंदगी में जो आपने सीखा है, इतने कम अरसे में इतना अच्छा सफर आपने तय किया है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? बस क्या करें यार, हर मोड़ पे ना आपको ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। याद रखें गाइस कि हर मोड़ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल, और मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह आपको उसका फल जरूर है, इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको एक नए ब्लॉग में। अब भी हम समद भाई के पास आए थे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब इनके पास हम आते जाते रहेंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, सदा आबाद रहें। अस्सलामुअलैकुम।